आज का कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं 7.4 के लिए ही है, वही चल रहा है मैटर, सब्स्टिट्यूशन मैटर चल ही रहा है अभी, प्रतिस्थापन विधि आपका चल रहा है। मैं आपसे एक चीज ये बता दे रहा हूँ फिर से, जो नए लड़के जुड़े हुए हैं, जो नए छात्र इसमें जुड़े हैं, वो हमारा वीडियो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा देख लें, और उसके बाद एक्सरसाइज 7.1 से 7.3 तक सभी सवाल हल करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे 7.1 का हो, चाहे 7.2 का हो, चाहे 7.3 का हो, वो सब ग्रुप में लिखकर भेजें, जिससे मैं उस क्वेश्चन को हल करके समझा करके आपकी समस्या का समाधान करूं। आज 7.4 का पहला क्वेश्चन लेकर के हम आपको बता रहा हूं। एक चीज और बता दे रहा हूँ, 7.4 एक मिश्रित एक्सरसाइज है जिसमें बहुत विभिन्न विभिन्न तरीके के सवाल हैं। इसको मैं जैसे जैसे जो सवाल आएगा उसके पहले उसका हम आपको कुछ टॉपिक पढ़ा करके किस ढंग से हुआ है, किस फार्मूले हुआ है करने के बाद तब हम आपको सवाल बताएंगे। लेकिन 7.1, 7.2, 7.3 का सभी क्वेश्चन आप लगा करके कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे 7.1 हो, चाहे 7.2, 7.3 कोई भी हो, क्वेश्चन ग्रुप में भेजो, हम आपका समाधान करेंगे। देखिए जैसे सवाल है 3x² + x³ + 1 dx, ये आपका सवाल है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ x पावर 6 है, यहाँ देखो 3x² है। अगर हम इसको, आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, अगर हम इसको यक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर दें और यक्स क्यूब का अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो यक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x² जो हमको मिल जाएगा, तो हम अपना कर लेंगे। तो करो, माना या तो फिर इसको हटाओ, पहले लिख ही लो आइजकल टू 3x² / x³² + 1 dx, ठीक है ना। अब माना x³ = t, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x² dx = dt, ठीक है ना। अब 3x² dx आपके पास है, ठीक है, तो अब आप इसी में रख दो 3x² dx = dt, तो dt 1/x³ = क्या माने t, तो t का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हैं 1/t² + 1² into dt, क्योंकि आपके पास फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx बराबर क्या होता है, 1/a tan inverse x/a, ये आपके पास फार्मूला है, क्या है ये फार्मूला, ठीक है ना। इस फार्मूले में अगर हम इसको रख दें, कंप्लीट कर लो, x² + a² 1/a tan inverse 1/a, तो 1/a a means क्या है, एक रख दिए, tan inverse x जो है क्या है t, और फिर एक जो है क्या है आपका 1, या ये हो गया आपका प्लस का इंटीग्रेशन c, या tan इनवर्स t प्लस c, या tan इनवर्स t बराबर आपके पास कुछ माने है, क्या माने है, x³, तो tan इनवर्स x³ + c, ठीक। ये पहला सवाल है, जैसे फिर से समझ लो, इसको यहाँ 3x² जरूर था इसलिए एक्स पावर 6 को x³ का होल स्क्वायर लिख लिए। अब x³ = t मान लिए, इसका x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर दिए, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे 3x² dx = dt, 3x² dx इसी में रख दो, 3x² dx = dt हो गया, 1/x³ = t, t² + 1, ये आपका यहाँ पहुंच गए। अब ये फार्मूला आपको हम प्रूव करके भेज चुके हैं, हमारे ख्याल से लेक्चर नंबर 4th या 5th में है, 1/x² + a² dx होता है 1/a tan inverse x/a, उसी फार्मूले में रख दिए, तो tan इनवर्स टी प्लस सी, tan इनवर्स टी बराबर x³, यानी tan इनवर्स x³ + c, यही आपका पहला सवाल था 7.4 का। इंटीग्रेशन 1/√1 + 4x² dx, अब यहाँ क्या मानेंगे, अब आप सोचिए इसको हल करने का तरीका,
आपका हल कैसे करेंगे पहले ये देख लीजिए, फिर फार्मूले बता देंगे। 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर इंटू dx ले सकते हैं, 2 × 4x स्क्वायर। अब माना 2x बराबर tan थीटा। कहो tan थीटा क्यों माना गया, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला आपके पास है क्या है, sec स्क्वायर थीटा, इसीलिए tan थीटा माना गया है। अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करें, क्या करेंगे अवकलन, x सापेक्ष अवकलन कर लो तो 2dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। अब यही चीज इसी में रख दिया जाए, या dx इज इक्वल टू हाफ sec स्क्वायर थीटा d थीटा रख दीजिए इसी में, तो i इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2x बराबर tan थीटा होल स्क्वायर है, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू dx, dx बराबर 1 अपॉन 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो 1 अपॉन 2 क्या कर दो बाहर, 1 अपॉन 2 क्या कर दो बाहर, यहां क्या हो गया आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है ना। अब चलिए हाफ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा, और यही रख दीजिए sec स्क्वायर थीटा d थीटा, या 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा डैट मींस बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, या 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 sec थीटा sec थीटा कैंसिल यानी sec थीटा d थीटा, और या 1 अपॉन 2 sec थीटा का इंटीग्रेशन आपके पास है क्या है log mopunk sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, या 1 अपॉन 2 लाग sec थीटा बराबर आपके पास है नहीं है, tan थीटा बराबर क्या है आपका 2x ना, तो इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम आपको बता दे रहा हूं, देख लीजिए तो इसी में रख देंगे, देख लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है आपका a b c इंटीग्रेशन tan थीटा बराबर 2x, 2x अपॉन 1 यानी लंब बटा आधार, लंब क्या है 2x, आधार क्या है 1, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब यहां से अगर हम sec थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है 1 प्लस 4x स्क्वायर, आधार कितना है 1, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस tan थीटा बराबर क्या है 2x, तो 2x और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c, यही आपका ये क्वेश्चन था, इसको समझ लीजिए कैसे हुआ है, अगर कोई दिक्कत हो फिर पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2x बराबर tan थीटा मान लिया गया है, tan थीटा इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया गया है, 2dx बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ गया है, रख दिए और ये आपके पास आ गया है। लेकिन इसका एक फार्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है आप उसे डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स बराबर फार्मूला आपके पास है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स फार्मूला है लॉग मापांक एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी, आप इसमें भी रख देंगे तब पर भी आपका आ जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप इंस लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डीएक्स, अब आप इसको कैसे करेंगे, अब आप सोचिए, हम तो बता दे रहा हूं लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कैसे होगा, कैसे होगा। अगर हम एक्स बराबर यहाँ कॉस थीटा रख दें तो ये कॉस थीटा फार्मूला आपके पास 2-3 फार्मूले हैं रखेंगे तो कुछ न कुछ तो आएगा ही, ये आप किसी ढंग से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम चलते हैं, अगर हम एक्स बराबर कॉस थीटा रख दिया तो
इसका अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा d थीटा, ठीक है ना। अब रख दीजिए 1 माइनस x जो है कासीटा कासीटा अपॉन 1 प्लस कासीटा इनटू ds जो है क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है ना, या अंडर रूट 1 माइनस कासीटा। कासीटा वाला फार्मूला आपके पास दो तीन ठो है, पहला फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा फार्मूला है कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और तीसरा फार्मूला है कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। रख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इंटू माइनस साइन थीटा और डी थीटा। याद रखिएगा कास का तीन फार्मूला आपके पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा 2 का स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और तीसरा का स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चलिए इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 प्लस 2 ब्रैकेट खोल रहा हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और माइनस 1 इंटू साइन थीटा वाला भी फार्मूला होता है माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और डी थीटा, ठीक है ना। अब चलिए ये 1 से कैंसिल, ये 1 से कैंसिल, ठीक है ना। अब क्या बचेगा, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और डी थीटा। ये हो गया अंडर रूट, दो से कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 दैट मींस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2, टेन स्क्वायर थीटा बाय को लिख दो टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डी थीटा। टेन थीटा बाय अंडर रूट है, बाहर निकालो क्या हो जाएगा टेन थीटा बाय 2, और टेन थीटा बाय 2 बराबर फार्मूला पास होता है साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, इसको लिख देंगे साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 इंटू माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डी थीटा। एक कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 यानी माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और डी थीटा, ठीक। अब आगे चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों यहाँ आ गया इंटीग्रेशन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब आपके पास फार्मूला है, फिर क्योंकि फार्मूला होता है आपके पास कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपके पास फार्मूला है। यहाँ है आपका माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर लो, तो कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब आ जाए सवाल पर, इंटीग्रेशन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट मीन्स कॉस थीटा माइनस 1 और डी थीटा, ठीक है ना। अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा माइनस 1 डी थीटा, या कॉस थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास साइन थीटा माइनस डी थीटा क्या होगा थीटा प्लस कॉस इंटीग्रेशन सी। अब थीटा माने हैं आप कहीं, क्या माने थे शुरू से यक्स बराबर कॉस थीटा, ये मान चुके हैं यक्स इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहां से अगर देखा जाए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा
थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो अब क्या करें, साइन थीटा माइनस थीटा बराबर क्या है आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और समझ लो इसको, और कैसे कर लेंगे, क्योंकि वहां थीटा हमको हटाना है। क्या करना है, थीटा हटाना है। थीटा हटाने के लिए, हाँ तो ये देखो यहां से थीटा हटाना है। आप माने यस इक्वल टू कॉस थीटा, यस इक्वल टू कॉस थीटा। तो फिर से देख लो, देखो ए बी सी ये क्या हो गया आपका थीटा, ठीक है ना। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है एक्स, कर्ण क्या है एक, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमको यहां चाहिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहां से बोलो, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण क्या है एक, लिखो या ना लिखो। अब ये साइन थीटा यहां से हटा दो, साइन थीटा बराबर क्या है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इंटीग्रेशन सी, यही आपका कंप्लीट आंसर हुआ। देखो इसमें सवाल कुछ नहीं था, आपको दिया गया था अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, फिर समझ लो सवाल मिट चुका है लोगों पर। तो एक्स बराबर कॉस थीटा मान लिया गया है, डी एक्स बराबर हो गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स में वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा हो गया, और फिर माइनस साइन थीटा डी थीटा। फिर इसके बाद हम क्या कर दिए हैं, उसको जो है कॉस थीटा तीनों फार्मूला रख दिए हैं, ऊपर रख दिए हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, नीचे वाले में रख दिए टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, तो कैंसिल हो गया वन वन से टू टू से कैंसिल हो गया, अंडर रूट वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और जो डी थीटा जो है क्या हो गया माइनस टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है ना। ये आपका एक साइन थीटा बाई टू से कैंसिल हो गया, आपका आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू डी थीटा। फिर हम फार्मूले में रख करके उसको हम अपना इंटीग्रेशन कर दिए हैं, देख लीजिएगा। इस ढंग का सवाल आपको करना है, 7.4 का सवाल करिए, फिर जो ना आए उसको आप प्रॉब्लम डालते जाइए, 7.1 7.3 सभी क्वेश्चन कर डालो, जो ना आए उसको पूछो, हम बताएंगे, ठीक है, ओके।